हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो लोग नया फोन यूज कर रहे हैं, एंड्रॉयड फोन, लेकिन उनके पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसी की कॉल रिकॉर्ड जब करते हैं तो एक प्री अनाउंसमेंट हो जाता है, दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। तो इस मैसेज को कैसे खत्म करें कि जिसकी भी आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पास मैसेज ये ना जाए, तो उसके लिए आपको क्या क्या ऑप्शन करना है, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा जिसके बाद आप किसी की भी कॉल रिकॉर्ड कर पाएंगे और उसके पास कोई भी नोटिफिकेशन का, अलर्ट का मैसेज नहीं जाएगा, कोई भी उसको वॉइस का मैसेज नहीं आएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, अभी मेरे पास जो फोन है ये रेडमी का है और दूसरा फोन जिसमें वन प्लस वाले से रिकॉर्डिंग हो रही है, तो दो फोन की मैं आपको सेटिंग बताता हूँ। तो ये सभी ऑप्शन आपको स्क्रीन पर अभी दिख जाएंगे क्योंकि मैं फोन पे ऑपरेट कर रहा हूँ, मैंने इस पे स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर लिया है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को मैं प्रॉब्लम प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। तो अब आप लोग को साइड में ही मोबाइल स्क्रीन का ऑप्शन शो होगा, आप लोग उस पर देख सकते हैं, मैं मोबाइल पे अभी ऑपरेट कर रहा हूँ। तो मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, सपोज कीजिए मैंने 198 पर कॉल किया। अब हम अगर ये कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो देखिए, तो आपको मैसेज आता है दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। अब जैसे ही हम कॉल को स्टॉप करते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग हैज बीन एंडेड अगेन, तो ये प्रॉब्लम रहती है कि जो नोटिफिकेशन होता है वो पहुंच जाता है अगले को कि आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो इसको कैसे हटाएंगे, अब इस सेटिंग को जानने के लिए आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसी फोन ऑप्शन की सेटिंग में, कॉल वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर हम जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग में आने के बाद आप आएंगे कॉल रिकॉर्डिंग ऑप्शन पे और ये ऑलवेज रिकॉर्ड का है, इसको आप इनेबल कर देंगे। उसके बाद नंबर जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं या सभी नंबर को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सभी नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्टेड नंबर्स यहाँ पे ऑल कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए, या तो आप वहां पे मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड का फिर बाद में मैसेज हमको नहीं जाएगा। अब इसके लिए क्योंकि ये जो फीचर होता है गूगल डायलर का फीचर होता है, गूगल डायलर अगर कोई भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो प्री अनाउंसमेंट एक करता है, उनको अलर्ट करता है। तो इसके लिए हम एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो ऐप है TTS LEXX। एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। अब यहां पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग में जो है प्रेफर्ड इंजन स्पीच सर्विसेज बाय गूगल, तो इसको आपको चेंज कर देना है, यहां पे TTS LEXX कर लेना है। तो आप लोग अपने फोन की सेटिंग ऑप्शन में सबसे पहले जाएंगे, ऐप्स पे आप जाएंगे, ऐप्स में मैनेज ऐप्स पे जाइए आप, तो यहां पे वही फोन का ऑप्शन आएगा जो कॉल का ऑप्शन होता है। तो ये हम फोन ऑप्शन पे आ चुके हैं, फोन ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लियर डाटा कर देना है, ये डाटा स्टोरेज पे जाके आपको डाटा क्लियर कर देना है, स्टोरेज क्लियर डाटा, क्लियर ऑल डाटा, हमने ये क्लिक कर दिया है। तो अब ये डाटा जो है रीसेट हो जाएगा, इसके बाद हमने यहाँ पे सेटिंग देख लिया है टेक्स्ट टू स्पीच आप टाइप करेंगे, और यहाँ पे सर्विसेज प्रेफर्ड इंजन में TTS LEXX
सेट हो चुका है। पहले यहां पे गूगल का फीचर था, वो हट गया है। अब हम डायल करते हैं वही नंबर एक बार फिर से। देखिए अभी मैंने अभी जैसे मैंने इसमें कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है तो कोई भी मैसेज नहीं जा रहा होगा उनको। अब मैं स्टॉप करता हूं तो भी कोई मैसेज नहीं जाता है। अब जो ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है इसको आप कैसे सुनेंगे इसको आप देख लीजिए। अगेन आप फोन ऑप्शन पे जाएंगे, जो भी रिसेंट में आपने कॉल की है वो कॉल यहाँ पे शो होगा। शो होने के बाद ये देख रहे हैं आपका प्ले का आइकन आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कॉल रिकॉर्डिंग अब होना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह आप लोग ये सेटिंग करके किसी भी फोन में कॉल रिकॉर्डिंग आप ऑन कर सकते हैं और नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आप लोग के लिए उपयोगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।